हेलो गिज़मो ब्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। आज मैं क्या कर रहा हूँ चलिए दिखाता हूँ। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, प्लीज़ पार्डन दैट, क्योंकि थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा सर्दी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए एंजॉय करते हैं। तो मैंने ये ग्लास में लिया डिस्टिल्ड वाटर, जो मैं कलेक्ट करता हूँ एसी से। एसी से कैसे? एसी का जो कंडेंसेट होता है, जो पानी गिरता है उसके पीछे से, उसको मैं कलेक्ट करता हूँ कि क्योंकि वो प्योर डिस्टिल्ड वाटर है। जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है वैसा ही है एसी का जो पानी निकलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्लास में पानी ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो बड़ा सा बॉटल है 5 लीटर का, उसमें से बैटरी में डालते डालते कहीं बाहर गिर ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेके, ओवरफिल ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा लेके ग्लास में ऐसे डाल रहा हूँ। और एक साथ एक दो ग्लास नहीं डाल रहा हूँ, पहले मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा डाला, फिर इसको प्लग इन किया। इसका ऊपर का ग्लास टूटा हुआ है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये वाला जो ब्लैक प्लग है, लेवल प्लग, देख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, ये नीचे अटक जाता है, फंस जाता है और लेवल एक्चुअली शो नहीं करता। हमें लगता है कि खाली हो गया, लेकिन वो एक्चुअली फिज़िकली अटका हुआ रहता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा उसको फ्री कर दिया। और एक ग्लास पानी लिया डिस्टिल वाटर, एक्चुअली टैप का पानी यूज़ मत कीजिए, वो आपके बैटरी जो है उसको ख़राब कर देगा। तो अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, फिर इसको ऐसे स्क्रू करके देखेंगे कि कितना पानी हुआ है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा लिमिटेड सप्लाई है, मेरे पास बहुत ज़्यादा डिस्टिल वाटर अभी है नहीं, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि सारे टर्मिनल्स में थोड़ा थोड़ा करके भर दूँ, फिर जो टॉप अप करना है करेंगे। और एक जो सेल है, ये 12 वोल्ट के जो लेड एसिड बैटरीज होते हैं, इसमें 2-2 वोल्ट के 6 सेल होते हैं, तो ये फिज़िकली सेपरेटेड है अंदर, तो हर सेल में हमको पानी टॉप अप करना पड़ता है। ऐसे ऐसा नहीं कि कनेक्टेड है, एक में डाल दिया तो सारे में पानी चला जाएगा, वैसा नहीं होता है। हर सेल अंदर से फिज़िकली इंडिपेंडेंट होता है। इसको खोल के थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। मुझे एक्चुअली काम कुछ और है, मैं दिखाऊंगा इसको। मेरा जो सेटअप है, ये घर वाला इन्वर्टर है, आपने मेरा दूसरा वीडियो भी देखा होगा, जिसमें 5 KVA 48 वोल्ट का इन्वर्टर है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं आई बटन में भी ऐड कर दूंगा। और ये जो घर वाला है, ये 24 वोल्ट और 150 Ah ईच बैटरी है। देखिए, ये ऐसा मैं इसको थोड़ा सा रिलीज़ कर रहा हूँ तो पानी का लेवल दिखा रहा है, ठीक है, ये फिज़िकली अटका हुआ था इसीलिए नहीं उठ रहा था ऊपर। एनीवेज, तो ये मेरा 1600 VA का कनेक्टेड है इन्वर्टर, 24 वोल्ट। और ये जो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा जो अगर मैं स्टील ग्लास यूज़ कर रहा था, अगर टर्मिनल शॉर्ट हो जाए ग्लास से, तो भयंकर स्पार्क होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, स्टील वाला ग्लास दूर रख लिया और मैं अभी एक प्लास्टिक का ग्लास लेके आ गया हूँ। ये ना ही एसिड से ख़राब होगी ये ग्लास, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और शॉर्ट होने का कोई टेंशन नहीं है। मैंने ये बाद में रियलाइज़ किया कि मैं स्टील ग्लास यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आप भी मत कीजिएगा। तो पानी डाल के ऐसे फुल कर दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बाकी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। इसी सेटअप पे 24 वोल्ट 1600 VA के सेटअप पे मुझे एक 850 VA 12 वोल्ट का इन्वर्टर टेस्ट करना है। देख सकते हैं पानी बहुत नीचे है, प्लेट्स डूबे तो हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट नीचे है। अभी ये वाले सेल को भी हम टॉप अप करेंगे, फिर से ऐसे पानी लेके करेंगे। तो पूरा का जो पूरा बैटरी बैंक है, इसको डिस्कनेक्ट ना करते हुए बीच में से टैप करके मैं यूज़ करूँगा 12 वोल्ट वाला इन्वर्टर कनेक्ट करके, वो मैं आगे दिखाऊँगा वीडियो में। पहले ही इसमें डिस्टिल्ड वाटर टॉप अप कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना ये ना तो चार्ज ठीक से रखेगा, ना तो सही से डिस्चार्ज हो पाएगा। तो अभी ये सारे सेल्स ऑलमोस्ट टॉप अप हो चुके हैं। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि कभी भी ओवरफिल ना करें। इन दोनों में थोड़ा सा कम है, फिर से खोल के दे देंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, ओवरफ्लो होगा
और फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। ये जो बैटरी है ये दूसरा वाला है, एक बैटरी का काम ख़त्म हो गया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेवल सही है, बस दो ही सेल में कम हुआ है, उसी में डाल देंगे, क्योंकि बाकी आप लेवल्स देख सकते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए ये दोनों को फिल कर देते हैं, और वो लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं जिस पे 99477 वो सब लिखा है, वो मेरा दूसरा इन्वर्टर है, एक्चुअली जो घर पे यूज़ होता है वो इन्वर्टर है 1600 VA का। इसको भी भर लेते हैं, एक काम खत्म हो जाए। आप भी ध्यान दीजिएगा, एक साथ नहीं भरिएगा, थोड़ा थोड़ा करके भरिएगा, फिर चेक करेंगे लेवल को प्लग इन करके, देखेंगे कि कितना पानी हुआ है इसमें, ज़रूरत पड़े तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे वैसे ही। ओके वी आर डन। अभी मैं ये जो रेड वाला टर्मिनल देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, इसको मैं खोल लिया, थोड़ा सा ढीला किया मैंने, कम्प्लीटली खोला नहीं। अभी ये ग्रीन वाला जो है ये हमारा नेगेटिव है, रेड वाला पॉजिटिव, ग्रीन वाला नेगेटिव। तो इसके ऊपर मैंने दूसरा 850 का जो 850 VA का स्क्वायर वेव इन्वर्टर है वो मैंने रख लिया ऊपर, उसका जो नेगेटिव है मैं बीच में टैप कर रहा हूँ, क्योंकि इसको चाहिए 12 वोल्ट्स, और हमारा जो बैटरी बैंक है वो सीरीज़ में 12 वोल्ट लग के 24 वोल्ट्स हुआ है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल लगा देंगे इस पर, टाइट कर देंगे, अपना नट टाइट हो गया, हाथ से हल्का सा टाइट करेंगे, फिर हम अपना टूल लाएंगे, प्लायर से इसे पकड़ेंगे और स्पैनर से टाइटन कर लेंगे। तो अपना नेगेटिव जो है वो कनेक्टेड हो गया, ये देख सकते हैं, पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा स्पार्क होगा, क्योंकि 850 VA का है, स्पार्क हल्का सा हुआ, और 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर बैटरी बैंक बड़ी होती तो स्पार्क बहुत ज़्यादा होता, इसके लिए आपको केयरफुल रहना है। ये स्पार्क डेंजरस नहीं है, बस आप चौंक सकते हैं, मतलब अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं कि ऐसा स्पार्क होगा और हुआ तो आपको थोड़ा सा लगेगा, अगर आप रेगुलरली करते हैं तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको खुला जगह में करें। ये मैंने इन्वर्टर के आउटपुट से लिया इस एक्सटेंशन बोर्ड में, और फिर मैंने मीटर लगाया, ऑन किया, फिर UPS ऑन करते हैं, बीप का साउंड हुआ, ये आप देख सकते हैं 160-180 ऐसा वोल्टेज दिखा रहा है, 150 वोल्ट्स दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? एक चीज़ मैंने गलती किया था, मैंने वो सही से देखा नहीं था, मल्टीमीटर का जो मोड सिलेक्टर है वो DC वोल्टेज में है, इसीलिए वो ऐसे गलत शलत दिखा रहा है। एक काम करते हैं, ऑफ़ किया, फिर ऑन किया, अभी ये कनेक्टेड है, और मैंने इसको AC वोल्ट के रेंज में रखा है, ऑफ़ किया तो बैटरी बैकअप चालू हो गया, 200 समथिंग वोल्टेज, अभी ऑन करेंगे फिर उसको वापस, ये 400 समथिंग दिखा रहा है, क्योंकि ये साइन वेव UPS है, इसका DC और AC कंपोनेंट मिक्स होकर ये दिखा रहा है, ये देख सकते हैं 227-222 वोल्ट्स ऐसा दिखाया। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो अगर आपके पास ऐसे 24-48 वोल्ट का बड़ा बैंक है और आप छोटा इन्वर्टर लगा के 12 वोल्ट सप्लाई लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट, तो ऐसे बीच में टैप करके आप 12 वोल्ट सप्लाई या फिर 24 वोल्ट सप्लाई या फिर 36 या 48 वोल्ट सप्लाई ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गिज़्मो ब्रेन।